आदर्श न्यूज़ चैनल के हजारों लाखों दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष, जिस तरह हम वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं सीहोर जिले में, आज हमारे बीच आदरणीय प्रदीप समाधिया जी हैं, उनसे लेकर हम विधानसभा जिला सीहोर की जितनी भी विधानसभाएं लगती हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वर्ष क्या माहौल रहने वाला, इस सत्र में कौन विजयी होगा और किसका पलड़ा भारी होगा और किसकी सरकार बनेगी। सर, सीहोर विधानसभा में जो टक्कर है, चुनाव है प्रत्याशियों के बीच में, एक ओर तो भाजपा प्रत्याशी सुदेश राय, दूसरे ओर शशांक सक्सेना युवा हैं और दो ही में इस समय कांटे की टक्कर है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन आगे कौन पीछे, ये तो मतदान के समय ही पता चलेगा। और दो ही के मुद्दे अपने अलग अलग हैं, उन मुद्दों को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखा जाएगा कैसा उनका वो है माहौल था। वो फूल में था, भाजपा का चल रहा था, पूरा माहौल था भाजपा का। और पीछे जो प्रत्याशी सब हार गए थे कांग्रेस के, इस बार क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। इस समय सरकार में के प्रति असंतोष भी है मतदाताओं का, कुछ जैसे महिला मतदाता हैं उनका रुझान तो भाजपा की ओर, क्योंकि उनको 1000 का लाडली बहना योजना है, गैस है, अन्य सुविधाएं हैं। लेकिन आम पब्लिक जो त्रस्त है यहाँ पर, जैसे पानी है, नर्मदा वाला जल था वो अभी नहीं आया, उसको लेके आक्रोश था, कई बार वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए, उन वादों को लेके भी वो चल रहा, मुद्दे हैं, मुद्दे अलग अलग हैं लोगों के, बिजली सड़क ये तो कॉमन पॉइंट है। ये नगर पालिका जब से अध्यक्ष बना था उसने तो धुआंधार काम किए हैं। विधायक ने ग्रामीण क्षेत्र से लेके वहाँ तक जो भी काम थे सरकारी वो होगा, लेकिन मेन मुद्दा बेरोजगार का है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र एक भी नहीं है, जो थे बंद पड़े हैं उनका आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ, चालू नहीं हुए। एक सबसे बड़ी यूनिट है ये पागलखाने की, जो यहाँ पर पागलखाना बन रहा वो एक यूनिट है, बाकी यहाँ पर वो भी रोजगार नहीं है। वो तो पागल होंगे, वो भर्ती होंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर शून्य है सीहोर। इससे ये आक्रोश है, उसका विपरीत असर पड़ सकता है चुनाव में। सीहोर जिले की बाकी तीन विधानसभाओं को लेकर आपका क्या मानना है? सर, सीहोर के वैसे लगभग चारों सीट भाजपा की हैं। इस बार आष्टा में विद्रोह चल रहा है भाजपा में, इछावर में विद्रोह है टिकट को लेके कांग्रेस का, आष्टा, इछावर और बुधनी और सीहोर। बुधनी तो बिल्कुल सेफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो वहाँ पर तो कोई बुद्धो मत नहीं है कि वो अधिक मतों जीतेंगे। इछावर है, घिसते घिसते वो सीट को कवर कर लेंगे। आष्टा में टक्कर है, सीहोर में टक्कर है। अब इनका परिणाम तो मतदान के बाद ही पता चलेगा, अपन इसको कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हवा के रुख से असंतोष ज़्यादा है सरकार के प्रति। वह अन्य दलों का तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई क्षेत्रीय पार्टी हैं, सिर्फ प्रभाव तो कांग्रेस भाजपा का ही रहेगा आपस में टक्कर। और रहा सवाल 15 महीने की सरकार और 4.5 साल की सरकार, बहुत अंतर है। कारण उसका कि उनको मौका नहीं मिला तो वो कोई काम नहीं कर पाए, इनको मौका मिला इन्हें काम किया। जनता संतोष भी असंतोष, जनता को जितना दे दो वो कम है, फिर भी आलोचना होती है, तो उस हिसाब से है। और भाजपा ने नल काम ठीक किए, गरीबों के हित में अच्छे किए, आवास है, शौचालय है, नल जल योजना है, इन सब में उन्होंने कहा वो यही जनता को चाहिए, यही पब्लिक की आवश्यकता, मानवीय आवश्यकता, रोड, बिजली, सड़क, नाली, ये सब ये सरकार ने किया, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बस एक दुर्भाग्य है कि सीहोर को रोजगार नहीं दिया, सीहोर में कोई उद्योग नहीं खुली इकाई, जिससे कि सीहोर में बेरोजगार हैं। यहाँ के बेरोजगार पीतमपुर है, आपके मंडीदीप है, बुधनी है, इधर जाती है यहाँ के बेरोजगार, सीहोर में नहीं है तो बेचारे इधर तो भटक रहे हैं। तो गुजरात है, ये चीज़ें हैं, यही एक कमी है कि यहाँ पर औद्योगिक नहीं है, औद्योगिक क्या है एक भी नहीं है। उद्योग खुलना बहुत ज़रूरी है, सरकार को जो भी बने वो उद्योग की ओर ध्यान दे। सीहोर को राजधानी के पास है, मुख्यमंत्री जिले के हैं, गृह के, लेकिन नहीं हुआ। एक दुर्भाग्य कहो सीहोर को या बदकिस्मत कहो कि सीहोर अपने ज़िले का मुख्यमंत्री होने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्योग क्यों नहीं दे पाए, बस यही है था।